ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। शामली से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है शामली का। दोपहर 2 बजे थाना भवन वो पहुंचेंगे, कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के आवास पर वो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री के पिता को वो श्रद्धांजलि देने के लिए आज वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर शामली से, जहां पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। दोपहर 2 बजे थाना भवन वो पहुंचेंगे, कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के आवास पर वो जाएंगे और उनके पिता को श्रद्धांजलि देंगे। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे और अब डेप्यूटी सीएम जा रहे हैं और वहां पर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के पिता को वो श्रद्धांजलि आज अर्पित करने वाले हैं। और पंकज मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। पंकज, आज डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है शामली का, ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल हिमांशु, मैं आपको बता दूं, आज केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो आज थाना भवन पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के जो पिताजी रणवीर सिंह है उनका निधन हुआ था उसमें शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। करीब 2:30 पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वह शामली की पुलिस लाइन में उतरेगा और करीब 2:50 पर जो डिप्टी सीएम है वो कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के आवास पर पहुंचेंगे और शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, जिसके बाद वापस जो है केशव प्रसाद मौर्य शामली में जो लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन है वहां पर आएंगे और जो पदाधिकारी हैं पार्टी के और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और करीब 3:40 पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो दोबारा से जो है लखनऊ के लिए रवाना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के